बियर गुड़ी का दिल्ली में। तो गाइज आज हम लोग हैं मनोहर ढाबा में, जो कि काफी फेमस है उनके जापानी समोसे के लिए। हाँ जी गाइज, आपने काफी समोसे खाए होंगे, पर जापानी समोसा आपको आज हम दिखाने वाले कैसे बनता है। तो चलिए अंकल जी से बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? ठीक है जी, आप? अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश कुमार जी, आपका शॉप तो काफी फेमस है, मतलब हर चीज के लिए, पर सबसे ज्यादा फेमस है आपके जापानी समोसे के लिए। तो इसकी जरा कहानी बताइए ना हमें कुछ। ये 1924 में लाहौर में शुरू किया था पाकिस्तान में जी। 1924 में लाहौर में जब से कंटिन्यू है। तो अंकल जी समोसा कैसे बनता है चला जरा दिखा दीजिए हमें। नहीं बनना बनता हो तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको समोसा दिखा देता हूँ क्या हो। जी जी, ये देखिए, ये ऑर्डरी समोसा है जो आप हर जगह देखते हैं जी। हर जगह देखो, हर जगह पे मिल जाता है। ये है हमारा जापानी समोसा। अच्छा, देखिए 60 लेयर है इसके अंदर। 60 लेयर वाला है समोसा है। तो इसमें और क्या क्या पड़ा रहता है? इसके अंदर थोड़े सा आलू और थोड़े से मसाले स्टफ होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आलू और बाकी मसाले वगैरह जो है। तो कितने का पड़ता है समोसा? ये अभी 50 रुपए की प्लेट है, 2 पीस। 50 रुपए की प्लेट 2 पीस आते हैं। साथ में थोड़े छोले आएंगे और चटनी आएगी। तो छोले और चटनी भी आती है? हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस देख सकते हो आप, तो अंदर ये प्लेट लगा दीजिए बढ़िया से हमारे लिए। कोई प्याज कोई लहसुन नहीं है। नो ऑनियन नो गार्लिक। भाई देख सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी है। ये आज भी इसके अंदर कच्चे कोयला ही यूज करते हैं इसको पकाने के लिए। अच्छा, तो कोल के ऊपर पूरा प्रोसेस होता है इसका, गैस वगैरह कोई नहीं। गैस है लेकिन आज तक गैस यूज नहीं करी। काफी बढ़िया है। चलो जी, जैसे टमाटर की ग्रेवी बना के डाल लो, कोई चीज डाल लो, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, कोई चीज की ग्रेवी नहीं डाल रखी है। ओनली चने, सिर्फ रिफाइन और मसाला। चने की क्वालिटी देखिए, आज तक आपने ऐसे चने कहीं देखे नहीं है। ये आ गए हमारे चने, चने आ गए। थोड़ा सा गार्निश के लिए, गार्निश के लिए ऊपर से आ गए मांगता है कोई। तो खाते हैं समोसे की चटनी। ये देखिए दही पुदीने की चटनी है। दही पुदीने की चटनी क्या बात है। कोई प्याज लहसुन नहीं है। क्या गया आपका स्पून? क्या गया आपका जापानी समोसा? ये 2 पीस। तो ये एक प्लेट हमारी रेडी हो गई। ये 50 रुपीज़ की पड़ती है। और अंकल जी आपके यहाँ पे आना है तो आपका शॉप का टाइमिंग और एड्रेस बता दीजिए। टाइमिंग सवेरे 8:30 बजे शुरू होते हैं, शाम को 7:30 बजे। सवेरे 8:30 से शाम को 7:30 बजे तक। और यहाँ का लोकेशन? चांदनी चौक, जैसे आप एंटर करेंगे जी, एंटर करते जब 50 कदम चलेंगे उल्टे हाथ पे गौरीशंकर मंदिर है। अच्छा, गौरीशंकर मंदिर के बिल्कुल सामने एक रोड जाती है, इसका नाम है दीवान हाल जी। दीवान हाल रोड पे जब एंटर करेंगे 50 कदम चलेंगे राइट हैंड पे। और गूगल लोकेशन भी है आपका? गूगल लोकेशन भी। ओके गाइस, हमारे जापानी समोसे की प्लेट लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें आ गए चने, पुदीने और दही की चटनी और प्याज। गाइस हमारी प्लेट लग चुकी है। ये हमारा जापानी समोसा और ये चने, उसके साथ है प्याज और पुदीने और दही की चटनी भी लगी है। तो गाइस आप देखिए समोसा कितना बढ़िया है और कितना क्रंची है। तो गाइज अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली विजिट करने वाले हो, तो आप लोग भी यहाँ पे जरूर आइए और जरूर ट्राई कीजिए। इनके पास जापानी समोसा के अलावा और भी काफी सारी चीजें मिलती है। तो मैं तो जा रहा हूँ ट्राई करने, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।